इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। देखिए, एक कंप्यूटर हार्डवेयर की कंपनी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी 5G चल रहा है। 5G के साथ में देखेंगे आप ना तो AI इनबिल्ट स्मार्ट राउटर, ये आपके जो है 5G जब भी आप लेते हैं जियो कनेक्शन एयरटेल तो आपको ऐसा मिलता होगा। आपको अपने यहाँ लगाएंगे तभी वाईफाई की सुविधा आपको मिल सकती है। तो ये कंपनी ऐसे बहुत सारे राउटर्स बनाती है, कैमरा बनाती है, साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बहुत सारे उपकरण भी बनाती है। और एक छोटी सी कंपनी है, यदि आप देखना चाहेंगे तो BSENSE दोनों पे लिस्टेड है। मार्केट कैप इसका 928 करोड़ का है, करंट प्राइस 261 पे अभी चल रही कंपनी। हाई इसका 268 का है, लो इसका 105 का है। कंपनी जल्दी अपने हाई को भी तोड़ सकती है। और स्टॉक भी देखिए 15.9 का है, बहुत महंगा नहीं है। बुक वैल्यू कंपनी का 88.50 का है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, देखिए छोटी सी कंपनी मात्र 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी 1.15% का डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई की बात किया था जाए तो 19.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6 का है। फेस वैल्यू कंपनी का दो, देखिए इस कंपनी को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही नजरिया था कि अभी PLI स्कीम के तहत भारत सरकार ने जो है 18,000 करोड़ रुपये का एक बजट तैयार किया है और सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। अब उसमें ये जैसे उस सेक्टर में ये टॉप टू पे ये कंपनी आती है। और जहाँ तक फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है। यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर इस कंपनी में आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके आप इन्वेस्टमेंट करके जरूर रखिएगा। फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का ये दमखम रखता है। देखिए ऐसी कंपनियां मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि देंगी रिटर्न तो आपको 5 गुना 10 गुना दे देंगी, और नहीं देंगे तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो देखिएगा, अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ में यदि आप देखेंगे चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं अब ट्रेंड में है, बहुत ही वोलेटाइल था लेकिन चार्ट पैटर्न ठीक ठाक नज़र आ रहा है। कंपनी यदि देखेंगे तो डेब्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। साथ में कंपनी 21.2% का डिविडेंड भी दे रही है। उसके साथ में यदि आप देखेंगे तो कॉन्स में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव चीज़ें नहीं है, और देखा जाए तो इस कंपनी के साथ में बहुत कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर हार्डवेयर IT हार्डवेयर कंप्यूटर्स, अब इसमें देखिए दूसरे नंबर पे ये कंपनी आती है D-Link इंडिया लिमिटेड। देखिए इतनी ही चीज़ों को केवल स्टॉक को देख के आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को और समझ लीजिएगा। अभी स्टॉक के साथ में है क्या कि जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। मार्केट कैप इनका देखेंगे ना तो December 2021 मार्केट कैप 900 करोड़ के आसपास था, लेकिन सेल्स देखिए इनका 235 करोड़, फिर 269 करोड़, 293, अभी 291। तो कहीं ना कहीं सेल्स 300 करोड़ के आसपास में इनका जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़, 15 करोड़, 21 करोड़, अभी 30 करोड़ का हो चुका, भी इनका जल्दी रिजल्ट आया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो 12 करोड़, 16 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़, नेट प्रॉफिट 9 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़ का अभी हो चुका है। EPS में भी अच्छा खासा जंप है। तो इस स्टॉक पर जरूर नज़र बना के रखिएगा, फ्यूचर में आपको तगड़ा रिटर्न ये दे सकता है स्टॉक, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी और कंपनी का क्लाइंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में जिन जिन उपकरणों की जरूरत है उन्हीं पे काम कर रही है अच्छे तरीके से। अब ईयरली बात किया जाए तो मार्च 2020 में इनका 726 करोड़ का सेल्स था, फिर 711, फिर 904, अभी देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 34 करोड़, 29 करोड़, 40 करोड़ का हो रहा है। तो कंपनी अच्छा करती जा रही है, बस आपको लेके पेशेंस के साथ होल्ड करना आना चाहिए। उसके साथ में यदि आप देखें तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है। रिजर्व की बात किया जाए तो कंपनी के पास 307 करोड़ का रिजर्व, छोटा मोटा कर्ज 3 करोड़ का कोई मैटर नहीं रखता है। उसके साथ में यदि आप देखें तो कंपनी के पास कैश फ्लो की बात करें 2 करोड़ का कैश भी है। और डेब्टर डेज की बात करें तो कंपनी का 93 दिनों का, तो कंपनी अपना सारा प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है तो इनके पास 93 दिनों में उसका पेमेंट का सेटलमेंट हो पाता है, ठीक ठाक है, इसको भी बेहतर कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास में 51% की होल्डिंग है, साथ में 48% होल्डिंग जो है पब्लिक की है, लेकिन इसी में एक बड़ा नाम है आशीष कचोलिया जी का। आप जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लीजिएगा पब्लिक में जाके। आशीष कचोलिया जी काफ़ी फेमस है ऐसे स्मॉल कैप कंपनियों में पैसे लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ ही आपका पैसा 10 गुना 20 गुना कर सकती हैं, आपके लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियाँ नहीं करती। हाँ, वहाँ पैसा सेफ होता है लेकिन पैसे को 5 साल में वहाँ डबल हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 साल में आपका पैसा जो है 10 गुना 20 गुना 25 गुना भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट पे आप ज़रूर कमेंट करके लिख के बताइएगा कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके पास कितनी क्वांटिटी में है। साथ में यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।